अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मेहरान सलीम जरवार। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा एक जदीद न्यू तरीका थंबनेल बनाने का, जो आ गया है प्ले स्टोर पे न्यू ऐप। तो मैं आपको सारा कुछ यूजेज भी समझाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि थंबनेल हम अट्रैक्टिव किस तरह से बना सकते हैं। अगर हमारा थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो हमारी वीडियो रैंक करेगी, व्यूज भी ज्यादा आएंगे। अगर हमारे पास थंबनेल अच्छा नहीं होगा या हम वीडियो पे थंबनेल लगाते ही नहीं है तो हमारे पास व्यूज अच्छे नहीं आएंगे। तो थंबनेल है क्या? कुछ जो न्यू यूजर हैं, न्यू यूट्यूबर हैं, उनको पता नहीं होता कि थंबनेल क्या चीज है। तो मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि थंबनेल वो है जिस तरह से हम यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले लिस्ट में देखते हैं तो उसमें तस्वीर आ जाती है, कुछ अल्फाज आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं थंबनेल। तो ये अलग से बनाना पड़ता है और अलग से बना के लगाना पड़ता है। तो मैं आपको समझाऊंगा सारा प्रोसीजर। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो देखिएगा लास्ट तक, मैं आपको सारा प्रोसीजर समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, हम डायरेक्टली जाएंगे अपने प्ले स्टोर में, अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे और प्ले स्टोर में जाके हमें सर्च बार में टाइप करना है टैक्स टोन। आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट एप्लीकेशन आएगी, 10K+ इसके जो है वो डाउनलोडर है, न्यू ऐप है। तो मैं यहाँ से इसे ओपन करूँगा तो हमें यही टैक्स टोन वाला ऐप ही डाउनलोड करना है। तो अब मैं यहाँ से इसे कर रहा हूँ ओपन। ओपन करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तो अब आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, तो आप अपनी कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इंडोनेशियन, रशियन। तो मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा और गेट स्टार्ट करूँगा। उसके बाद हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो ये हो गया हमारा ऐसा इंटरफेस ओपन। तो अब हमें बनाना है थंबनेल। तो ये कुछ इसके पहले ही दिए हुए हैं कुछ थंबनेल, अगर आपको ये पसंद आए तो आप ये दे सकते हैं, ऐसा टेक्स्ट का स्टाइल होगा। तो हमें अपना जो है वो पिक्चर देनी है बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करें, फ्रॉम गैलरी इस पर क्लिक करें तो आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। तो अब मैं ये लेता हूँ एग्जांपल, इस तस्वीर को मैं लेता हूँ, यहाँ पे साइज करूँगा। उसके बाद अब हमें आना है ये इस ऑप्शन में, जो 3 वाला ऑप्शन है इस पे आना है। इस पे आने के बाद हमें 4th वाले ऑप्शन में आना है। 4th वाले ऑप्शन में आके हमें 3rd वाला जो ऑप्शन है एडिट इमेज साइज, इस पे जाके अब हम कस्टमाइज़ करेंगे। यहाँ पे आ गया यूट्यूब थंबनेल, तो हमें इस पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं वादे लिखा है यूट्यूब थंबनेल कस्टम स्क्वायर, तो बहुत सारे हैं, प्रोफाइल स्क्वायर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हेड साइज। तो हम यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं तो हम लगाएंगे यूट्यूब थंबनेल। तो ये तस्वीर हो गई यूट्यूब थंबनेल की साइज़ की। तो हम अपनी तस्वीर को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे सेटिंग करके। तो अब हम जाएंगे डायरेक्टली टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाके हम प्लस टेक्स्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू यूज़ मोबाइल। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हाउ टू यूज़ मोबाइल। तो अब मुझे इसका अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है। तो मैं इसका कलर चेंज करूँगा, तो इस पर आप कलर है, टेक्सचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो वाइट रहने देता हूँ, इसमें बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। तो मैं डार्क ब्लैक नहीं, फुल ब्लैक करूँगा। तो यहाँ पे इसकी कुछ साइज़ है, तो ये हो गया हाउ टू यूज़ मोबाइल। तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे इतना रखूँगा और टेक्स्ट करता हूँ यूज़ मोबाइल। तो ये भी आ गया, इसे भी आप कलर दे सकते हैं। तो मैं इसे दूंगा रेड कलर। तो मैं यहाँ पे मैंने इसे रेड कलर दे दिया, उसमें बैकग्राउंड में मैं दूंगा पीला कलर। तो ये हो गया, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसमें और भी सेटिंग्स हैं, स्ट्रोक ये भी हम दे सकते हैं, ये आप देख सकते हैं।
कोई भी कलर आप इसे स्ट्रोक में दे सकते हैं। तो ये वाला कलर मैं सिलेक्ट करूँगा, शेडो, इनर शेडो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 3D टेक्स्ट भी आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे करूँगा 3D टेक्स्ट। तो ये हो गया 3D टेक्स्ट, ये देखें। तो मैं इसे इधर सेट करता हूँ, हाउ टू यूज़ मोबाइल, ये हो गया। तो आप टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब हमारा जो है, आप वो सेटिंग कर लेना। अब हमारा जो है वो बन चुका है थंबनेल, तो अब हम इसे करेंगे सेव अपनी गैलरी में। तो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज करके, अब हमें डिफ़ॉल्ट नीचे दिया गया है, कस्टम, लो, मीडियम, हाई। तो हम वेरी हाई नहीं, नॉर्मल करते हैं, हाई। हाई मतलब प्रोफाइल में हम इसे सेव करेंगे। तो ये हमारी पिक्चर हो चुकी है सेव। तो हम यहाँ से काट के अब हम डायरेक्टली जाएंगे अपने YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में जाके जिस वीडियो पे हमें थंबनेल लगाना है, तो आपकी वही वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपके पास YT स्टूडियो नहीं, तो YT स्टूडियो डाउनलोड कर लीजिए और अपना चैनल लॉग इन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इस पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा। तो मैं अपनी किसी वीडियो पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी न्यू वीडियो जो है वो अपलोड हो रही है। तो मैं इस पे जाऊँगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम ठहर जाएं, ऐसा इंटरफेस फिर से आपके सामने ओपन होगा। तो फिर से इस पे क्लिक करें, कस्टमाइज थंबनेल। तो यहाँ पे आ गया आपका थंबनेल, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का थंबनेल। तो यहाँ पे सेव कर लें, आपका थंबनेल बन भी गया और आपकी वीडियो पे लग भी गया। तो गाइस, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? मैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे वीडियो से। आपने क्या सीखा, क्या कुछ नहीं सीखा, क्या कोई वीडियो में कमी रह गई, कमेंट से अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। वीडियो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन ऐसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।